वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों आज मेरे पास हिकविजन का 4 चैनल का डीवीआर आया है जो कि कंप्लीट डेड है। जब मैं इसके अडाप्टर से इसको प्लग करता हूं तो ये ऑन नहीं होता है, और जब मैं अपनी डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूं तो जो मैंने इसको 12 वोल्ट दिया है सप्लाई मशीन से वो बैठ जाती है और एम्पेयर हाई हो जाता है। तो आज मैंने आपको ये डायग्नोज करके दिखाना है कि इसको कैसे रिपेयर करना है, और मेरी वीडियो उन बिगनर स्टूडेंट के लिए है जो अभी रिपेयरिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो छोटी छोटी वीडियो मैं बनाता हूँ जिसमें बिगनर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर वो मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हम लोगों का 2022 से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और अगर कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स सीखना चाहता है जिसमें हम लोग लैपटॉप रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग और सप्लाई रिपेयरिंग या एलईडी टीवी रिपेयरिंग जैसे कोर्स यहाँ पर चलाते हैं, अगर कोई दूर से है तो वो हमसे ऑनलाइन वीडियो परचेज कर सकता है। फुल्ली लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे हम आपको, और अगर कोई उत्तराखंड से है तो यहाँ पे आके क्लास भी अटेंड कर सकता है, क्योंकि 3 महीने की हमारे पास क्लास है और फास्ट ट्रैक में भी हमारे पास क्लास है। तो अगर आपको डेमो क्लास चाहिए होगा तो डेमो क्लास हम फ्री देते हैं, और जनवरी से हमारा पहला बैच स्टार्ट है। और ये रिपेयरिंग क्यों सीखे बताना चाहता हूँ। आज की डेट में रोजगार के प्रति हर कोई सोच रहा है और जॉब इतनी है नहीं। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है तो आप अपने लिए लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, और 2-4 हज़ार रुपये डेली कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे डेली रिपेयरिंग भी करते हैं, क्लास भी चलाते हैं, और न जाने कितने प्रकार की हमारे पास चीज़ें आती हैं रिपेयर करने के लिए, हम उनको रिपेयर करते हैं। और अगर आप बिगनर हैं और आप काम करना चाहते हैं तो आप शिवा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके डिफरेंट कोर्स आप सीख सकते हैं। लो बजट के भी हैं, और जैसा आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकली समझाएंगे और डीप लेवल अच्छे से सिखाएंगे, और लाइफ टाइम आपको सपोर्ट देंगे, ये आपसे प्रॉमिस है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इसको कैसे रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैं अडाप्टर से तो मैंने कनेक्ट कर ही लिया है, और जब मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे मैं डीसी पावर सप्लाई को ऑन करता हूं, और ये डीसी सप्लाई मशीन मैंने इसको 12 वोल्ट पे रख दिया है, और ये 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की सप्लाई मशीन है मेरी। और जब मैं इसको ऑन करता हूं, और आप देखेंगे कि मैं जब इसको अडाप्टर प्लग करूंगा, जैसे ही मैं अडाप्टर को प्लग करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी वोल्टेज हाई हो बैठ गई है और एम्पियर हाई हो गया। मैं जैसे ही अडाप्टर को निकालता हूँ तो मेरी वोल्टेज स्टैंड हो जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूंगा दूर से दिखाने की कि जब मैं अडाप्टर प्लग करूंगा तो वोल्टेज बैठ जाएगी, एम्पियर हाई होगा। तो देखेंगे आप जैसे ही मैं इसको प्लग कर रहा हूँ तो यहाँ पे वोल्टेज मेरी बैठ गई है और एम्पियर मेरा हाई हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे धुआं भी निकलने लग गया है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे शॉर्टिंग है। देखिए जैसे मैंने कनेक्ट करा यहाँ पे तो धुआं निकल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ फ्लेक्स लगा के दिखाऊंगा जिससे पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं अडाप्टर लगाता यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे कुछ भी पता नहीं चलने वाला था। देख सकते हैं यहाँ पे मैं फ्लेक्स लगाऊंगा और दोबारा से मैं अडाप्टर को प्लग करता हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पे धुआं निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट है, और मैं आपको मल्टीमीटर के माध्यम से भी चेक कराऊंगा इसे कि इसमें जो प्रॉब्लम है शॉर्टिंग की है। तो एक तार को मैं ग्राउंड पे रख लेता हूँ यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे मुझे बीप आ रही है। इसका मतलब एक पोल तो ग्राउंड होगा क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है या यहाँ पे डायोड लगा है, अभी देखता हूँ ये क्या चीज़ लगा है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया। और मैं दूसरे इसके हैंड पे देखता हूँ तो मुझे कंप्लीट शॉर्टिंग मिल रही है यहाँ पे भी, यानी कि जो हमारी 12 वोल्ट की लाइन है, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं बीच वाली पिन पे तो यहाँ पे भी मुझे बीप मिल रही है जो कि नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये 12 वोल्ट जहाँ जहाँ पैरेलल में जाएगी वहाँ वहाँ सारी चीज़ें अपने आप को शॉर्टिंग बताएंगी। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये भी अपने आप को शॉर्ट बता रहा है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये भी अपने आप को शॉर्ट बता रहा है, देख सकते हैं बीप आ रही है। तो जब तक इसकी शॉर्टिंग हटेगी नहीं तब तक ये हमारा ऑन नहीं होगा। अगर मैं आपको जनरली इसके अडाप्टर से ऑन करके दिखाऊं तो क्या होता है ये देखते हैं। ये इसका अडाप्टर है और मैं इसको प्लग करता हूं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अडाप्टर को कैसे चेक करना होता है। हम इसको हॉट टेस्टिंग करेंगे और मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पर रखेंगे। इसको मैंने 40 वोल्ट डीसी पर रख लिया है, और एक तार मैं बाहर रख लेता हूं और एक तार मैं अंदर रखता हूं। तो देख सकते हैं यहां पे मुझे ये देखने को मिल रहा है कि मेरा अडाप्टर ओके है, 12 वोल्ट है। अगर मुझे सिर्फ ये पता करना है कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी है तो मल्टीमीटर की प्रॉब मैं कैसे भी लगाऊंगा चलेगा, मुझे वोल्टेज मिल जाएगी। लेकिन अगर मुझे ये पता करना है कि इसमें पॉजिटिव वायर कौन सी और नेगेटिव कौन सी है तो फिर मीटर में ध्यान देना होगा। तो ब्लैक प्रॉब को मैं बाहर रखूंगा क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है
अडैप्टर में ब्लैक वाली बाहर होती है और हमारी रेड वाली अंदर होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमको 12 वोल्ट मिल रहा है, और अगर मैं उल्टा लगाता हूँ तो मेरे मीटर में माइनस का साइन आ जाता है। तो इससे अभी हमें दो चीज़ पता चली। पहली चीज़, अगर मुझे वोल्टेज चेक करनी है तो मैं कैसे भी चेक कर सकता हूँ, मुझे वोल्टेज मिल गई। और अगर मुझे ये पता करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वायर कौन सी है, तो फिर मैं मीटर पर ध्यान दूंगा। तो आप देख सकते हैं, मैं जब इसको प्लग करता हूँ तो यहाँ पे अभी तक तो पहले ये ऑन रेड लाइट भी ब्लिंक नहीं हो रही थी, क्योंकि अडैप्टर में इतना फोर्स नहीं होता है कि वो शॉर्ट वाले कंपोनेंट को हिट कर दे। जब मैंने डीसी पावर सप्लाई लगाई तो यहाँ पे क्या है, उसने एक्स्ट्रा एम्पियर होते हैं, क्योंकि इस अडैप्टर में तो ये 12 वोल्ट एक 2 एम्पियर का अडैप्टर होता है। तो 12 वोल्ट 2 एम्पियर देने पर यहाँ पे हमारा ये हिट नहीं हुआ था, जिसके वजह से उस समय तक तो ये लाइट भी नहीं चल रही थी। लेकिन जब मैंने अपनी डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करी, उसमें 12 वोल्ट, अभी आप देखेंगे कोई धुआं नहीं निकल रहा है यहाँ से। लेकिन जब मैं अपनी 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की सप्लाई दूंगा, तो जो भी मेरा फॉल्टी कंपोनेंट होगा तो वो क्या होगा, हमारा ब्रेक होने की कोशिश करेगा, हीट होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सप्लाई लगाने से ये हाफ कंडीशन में शॉर्टिंग हट गई है, इसलिए ये जल रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि यही मेरा शॉर्ट है, तो मैं इसको SMD मशीन से निकाल दूंगा। अच्छा, ये पैरलर में लगा है, तो उसको अब बात आती है लगाना है कि नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे ये प्रोटेक्शन मोड में लगा हुआ है, डायोड है, और अगर मैं निकाल देता हूँ उसको, देख सकते हैं यहाँ पे डायोड है ये, और अगर मैं निकाल देता हूँ उसको तो मेरी मशीन तो प्रॉपर ऑन हो जाएगी, पर इसमें प्रोटेक्शन कम हो जाएगी। अब चाहो तो इसको लगाते हैं, चाहे तो नहीं लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी पावर सप्लाई दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, और आप देखेंगे यहाँ पे इस बार 12 वोल्ट स्टैंड है, पर 0.389 एम्पीयर लिया है, और आप देखेंगे यहाँ पे पावर लाइट भी जल रही है। अभी मैं इसको VGA कनेक्ट कराऊंगा इसका, और VGA कनेक्ट करा के इसकी डिस्प्ले भी चेक करा के दिखाऊंगा। देख सकते हैं कि छोटे छोटे फॉल्ट हैं, और ये आए दिन सभी के वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जिसके रिगार्डिंग मार्केट में सब चीज़ें रिपेयर होने आती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ को देख के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और बिजनेस स्टूडेंट के लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जो भी आपके क्वेश्चन हो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप में आप जुड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले आ गई है, और अभी देखेंगे ये एक बार दोबारा बंद हो के इसमें जो कैमरे के जो शाइन है वो सब आएंगे, यानी कि इस समय ये प्रॉपर हो गया। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ लगाया नहीं है, बल्कि मैंने जो प्रॉब्लम थी उसको फाइंड करके केवल इसको निकाला है, और निकालने मात्र से हमारी प्रॉब्लम सही हो गई है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलते रहे बेल आइकन दबाने के बाद। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग अब डेली एक एक वीडियो, चाहे वो छोटी हो, इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पहुंचाते रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।